देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन, जल विद्युत परियोजनाओं सहित 7 परियोजनाओं पर समझौता हुआ। श्री प्रचंड भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री प्रचंड की यह पहली विदेश यात्रा है। कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था, हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने, ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए, साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए, नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। वी आर हैप्पी टू सी द रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट लैंडस्केप अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। आई कंग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन कंप्लीशन दिस वीक ऑफ 9 ईयर्स इन गवर्नमेंट विथ फार रीचिंग अचीवमेंट ऑन मेनी फ्रंट्स। The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation.